नमस्कार दोस्तों, आप राजस्थान BSTC में किस तरह से पढ़े कि राजस्थान जीके में 150 में से 150 नंबर आ जाए, क्योंकि आपको पता है राजस्थान जीके बहुत ही टफ होता है। तो आपको मैं पढ़ने की एक स्पीड दे दूंगा जिसके अनुसार आप पढ़ोगे कुछ तो आपके BSTC के अंदर कहीं पर भी नंबर नहीं कटेंगे। लाडलो, उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर की जनरल जानकारी दी जाती है और आप यहाँ से BSTC 2020 की तैयारी कर सकते हो। और राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट मैंने नीचे वीडियो के यहाँ पे दे रखी है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलो दोस्तों, बिना करे बोर में पहले एक बार इसे सिलेबस है उसके बारे में। सिलेबस को 3 भागों में या 4 भागों के अंदर डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहले तो राजस्थान का भूगोल है एक। सेकेंड नंबर डिवाइडेशन की बात करें तो राजस्थान है सामान्य ज्ञान, तीसरा ऐतिहासिक पक्ष और चौथा राजनीति पॉलिटिकल साइंस। आप राजनीति के अंदर देखोगे कि राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री है, राज्य व्यवस्था है, राज्य न्यायपालिका, हाईकोर्ट है, जिला प्रशासन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, मानवाधिकार है, लोकायुक्त है। ऐसे करके राजस्थान के जो टॉपिक है वो तो वेरी इजी आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर हिस्ट्री के रूप में बात करूँ तो राजस्थान का ऐतिहासिक स्रोत है तो वो वैसे तो इजी है लेकिन थोड़ा बहुत हार्ड पड़ेगा। राजवंश इजी है, इसके लिए आपको कुछ टिक्स एंड ट्रिक के द्वारा पढ़ना पड़ेगा। किले और स्मारक करके जो सिलेबस के अंदर है आपको वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा दोनों नॉलेज लेने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान के लोक देवता की मैंने ट्रिक के वीडियो अपलोड कर रखा है। चित्रकला बहुत ज़्यादा इजी है, इसका मैं वीडियो बना दूंगा। ऐसे करके इस टॉपिक के अंदर जो भी चीज़ है उसके अलावा आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। चाहे आप रद्दी से रद्दी बुक ले लो, इसमें टॉपिक है वो एक बार टॉपिक पढ़ लो, एक बार समझ लो, फिर समझ में नहीं आवे तो मुझे एक बार कमेंट कर लेना। दोस्तों, ये जो भूगोल है, भूगोल का टप है, अक्सर देखा गया कि भूगोल है वो तकरीबन एक एवरेज बता दूं तो आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चन काफ़ी हाई मात्रा में देखने को मिलते हैं ज्योग्राफी के। और ज्योग्राफी थोड़ी बहुत इजी रहती है अगर मैं बाकी एग्ज़ाम के मुताबिक इस एग्ज़ाम की बात करूँ तो। ज्योग्राफी का सिलेबस है वो थोड़ा बहुत टफ है और इसमें इतने अच्छे नंबर आने के चांसेस नहीं बनते। अगर आप रीजनिंग में चाहो तो 150 में से 150 नंबर ला सकते हो, लेकिन अगर मैं जिस तरह से बताऊंगा जीके में 150 में से 150 नंबर देने की जवाबदारी मेरी। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, और अपने राजस्थान जीके के जो भी वीडियो है उन सबको एक बार जरूर देख लेना। और अगर विश्वास नहीं हो तो आप लोगों के लिए मैं एक बार अपने इस वीडियो का एक बार जरूर देख लेना। 26 मई का पेपर था, मैंने वीडियो पब्लिश किया था 25 मई के दिन। 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे लेकिन उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले थे। विश्वास नहीं हो तो एक बार वो वीडियो जरूर देखना, डायरेक्ट देख लेना पब्लिश करने की, फिर आप कुछ भी कमेंट करना। यदि आपके मैथ, फिजिक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक में किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप जाइए बिना टाइम वेस्ट के डाउटनेट के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 या गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउटनेट नाम की ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे जाकर आपको करना क्या, क्वेश्चन के पीछे क्लिक करके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। आपको आपके क्वेश्चन का ओनली एंड ओनली 10 सेकंड के अंदर आंसर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है।